Hey friends, welcome back to my channel. So guys, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाएगी. So guys, I hope you all are doing very well and you must be taking care of yourself and your family. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली दो वीडियोस डालती हूँ, और जो इस वीडियो से जो प्रीवियस वाली वीडियो है उस सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मेरी जो वीडियोस है इजीली आप एक्सेस कर पाएं. अब गाइस देखिए, अब इस वीडियो में हम फिर से एक फुल हैंड साइड जो है मेहंदी का डिज़ाइन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप लोगों को अभी करा रही हूँ. तो मेन जो बिगिनर्स हैं उनकी मेरे को यही रिक्वेस्ट आई है कि आप टीयर ड्रॉप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी उनका हैंड पे ना कंट्रोल नहीं है. तो इसलिए फिर मैं वही थोड़ा सा टीयर ड्रॉप को ही बेस बना के ये डिज़ाइन आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. अगर पिछली कुछ वीडियोज़ में आपने ध्यान दिया होगा तो उनमें भी मैंने ये टीयर ड्रॉप वाली वाइन यूज़ की है, बट उसमें हमने स्ट्रेट लाइंस यूज़ की थी, हम इसमें हमने थोड़ी सी तिरछी वाइंस मतलब ये लाइन यूज़ की है. और अब देखिए, क्योंकि बिगिनर के मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि डिज़ाइन को स्टार्ट कहाँ से करें, तो इससे जो मॉर्निंग वाली वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स या कुछ पैटर्न्स कह लीजिए आप वहाँ पर मैंशन किए हैं. मैंने वहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश की कि बिगिनर कैसे मेहंदी के डिज़ाइन को स्टार्ट करें. तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ से देखिए. अब देखिए, ये टीयर ड्रॉप का ही ले लिया. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएशंस आपको मैं बता देती हूँ. आप चेक्स बना सकते हैं, चेक्स की जितनी भी वेरिएशंस मैंने आप लोगों को कराई है. कोई भी बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से. अब गाइज, अब मैं ना आपको यही ट्राई करूँगी के जो बेसिक्स का ना मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स मैंने अभी तक कंप्लीट करवा लिए हैं, मतलब जितना मुझे करवाना चाहिए था आप लोगों को. तो मैं अब सुबह वाली वीडियो में ट्राई करूँगी अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस डालूँगी, और शाम वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डिज़ाइंस प्रोवाइड करूँगी फुल हैंड. और मैं भी आप लोगों को एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करके ही, जैसे मान लो हम ये हैंड पे ही डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ही पैटर्न को फॉलो करके बढ़ाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेट लाइंस को फॉलो करके आपको सिखा रही हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि इस पूरे डिज़ाइन में हम स्ट्रेट लाइंस को ही फॉलो करें. अगर हम कर्व लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कर्व लाइन ही यूज़ करें. तो जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा आप लोगों को, उतने ही ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगी और चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी, आपको बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे ही मैं अरेबिक में भी ये ट्राई करूँगी कि हम लोग सिमिलर चीज़ें प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोगों को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अब देखिए, हम यहाँ पे ये बेसिक फिलिंग एलिमेंट ही यूज़ कर रहे हैं. आप चाहें तो इसमें डॉट डाल के थ्री जो कर्व लाइंस वाली हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. डॉट डाल के जो फ्लोरल पैटर्न हम यूज़ करते हैं, थिन वाले लाइंस, थिक वाले लाइंस, आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए बिगिनर, जब मैं स्टार्टिंग में सीखती थी ना, तो मेरे साथ क्या होता था कि मुझे कोन बनाना नहीं आता था, तो प्रॉपरली मेरे पास कोन अवेलेबल नहीं होता था. तो जैसे भी मुझे कोन मिल जाता था मैं आप उससे प्रैक्टिस कर लेती थी. लेकिन नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ना यहाँ पे कोन बनाना सिखा दिया है, और के जो पेस्ट है मेहंदी का वो भी कैसे बनाएं. तो आप पता क्या कीजिए, आप वो वीडियो जाइए देखिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. उसके बाद कोन खुद ही प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि क्या है आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मेहंदी लगा पाएंगे. क्योंकि अगर वो जो रेडीमेड कोन होता है ना वो अच्छे से चलता नहीं, उसका जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है सीखने में. और उससे क्या होगा, जब आपका बनेगा नहीं, कोन नहीं चलेगा आपसे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे. मैंने आपके लिए चीज़ें और कंफर्टेबल बनाने के लिए कोन को कैसे बनाना है, मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाना है, ये सब प्रोवाइड करवा दिया है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद ही कोन बनाइए, और जो रेडीमेड कोन है उस पर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए. अब देखिए, यहाँ पे हमने डिज़ाइन की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये दो कैरीज बनाई हैं और उसके ऊपर ये एक फ्लोरल एलिमेंट, ये भी पत्तियाँ हमने ड्रॉ की हैं. अब क्योंकि देखिए, जब भी हम डिज़ाइन को बनाते हैं तो हम मन में एक मतलब कोई भी एक मैप बना लेते हैं कि हमें ये बनाना है, लेकिन जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें ना हैंड का जितना भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन को एडजस्ट करना पड़ता है. अगर मेरा ये वाला हाथ थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता तो हम इसी फ्लावर की शेप बढ़ा देते हैं ना, तो आपको खुद ही एडजस्ट करना है. और वो कैसे आएगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते. अब देखिए, यहाँ पर हमने यही बिल्कुल बेसिक फ्लोरल एलिमेंट बनाया है.
आप चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा स्पेस है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दीजिए। अब यहाँ पे और वेरिएशंस क्या बना सकते हैं, मैंने तो बिल्कुल बेसिक वाला फ्लावर बनाया। आप चाहें तो यहाँ पे वी शेप वाला फ्लावर भी बना सकते हैं, हार्ट शेप वाला भी फ्लावर बना सकते हैं, और जो कार्ड्स पे मैंने आप लोगों को कराया है ना कि फ्लावर एक और होता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। इन सब वीडियोज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन भी प्रैक्टिस कीजिए। कि देखिए, अब मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि आप जाइए वो वाले डिज़ाइंस देखिए, ये बोलने का एक ही एम है, क्योंकि देखिए वो आपका बेस है ना। जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक फिर आप देखिए, मैं मैथ्स का एग्जांपल ले रही थी, अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं आते तो आप सम्स कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो जब मैं आपको ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में सिखा रही हूँ बेसिक्स, तो आप वहाँ से सीखिए और देन उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, मैंने इस डिज़ाइन की आउटलाइन बनाई है, मैंने दो लाइन्स में बनाई है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने दो लाइन्स के बीच में क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको फिल कर दूँगी। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी थिक लाइन ही एक बार में बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट किया था ना, जहाँ पे हमने टी ड्रॉप एलिमेंट डाले थे, उसी को हम यहाँ पे कॉर्नर पे बेस बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हमने दो लाइंस के बीच में ये वाला पैटर्न बनाया है। ऐसे ही मैंने आपको कटवर्क वाली एक वीडियो कराई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को दो लाइंस के बीच में और क्या क्या आप लोग बना सकते हैं, हम उसमें बॉर्डर में भी यूज़ कर लेते हैं, डिज़ाइन को स्टार्ट में भी जब करते हैं तो वो वाला एलिमेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो सब मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप जाइए देखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए, और फिर यहाँ पर आके वो जितनी भी वेरिएशंस है ना, उनमें से सबको एक एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक पीकॉक बोल लीजिए, कैरी बोल लीजिए, हमने यहाँ पे बनाया, और इसके अंदर भी हमने बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। अब देखिए, जब भी ऐसा डिज़ाइन कोई बनाते हैं ना, दोनों साइड से एरिया कवर करते हैं, तो बीच में कुछ स्पेस बच जाता है, तो इस बीच वाले स्पेस पे मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक बड़ा सा मैं जलेबी ड्रॉ कर देती हूँ, और उसके अंदर मैं मोस्टली तो वी शेप फ्लावर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर हार्ट शेप फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये साइड पे जो पत्तियाँ बना दी हैं और उसको हम फिल कर दिया, लेकिन आप चाहें तो उसको ना भी फिल करें, इसे ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए, हमने हार्ट शेप फ्लावर बना दिया है, और हम इसकी थोड़ी सी मोटी वाली आउटलाइन करेंगे, जिससे कि ना डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आता है। अब देखिए, और देखिए फिंगर्स का क्या बोलूँ मैं आपको, फिंगर्स पे ना मैं भी फ़िलहाल आपको बेसिक वाला ही करा रही हूँ, बहुत ही बेसिक, जिससे कि आपकी वो वाले की ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारी वेरिएशंस मैं ऑलरेडी आपको फिंगर्स की करा चुकी, लेकिन हमने ना डिज़ाइन में अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप जाइए वो फिंगर की जितनी भी वेरिएशंस मैंने आप लोगों को कराई हैं उन्हें जाइए प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं तो सिर्फ एक ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, आप अलग अलग फिंगर्स पे वो वाला ड्रॉ कीजिए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो उसे डिस्प्ले करूँगी, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब गाइस देखिए कि मुझे ईमेल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों के, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब जैसे अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मेल्स पढ़ के, और अच्छा लगता है नए नए लोगों से कनेक्ट होना, उनके बारे में जानना, एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं और मुझे थैंक्स बोलते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मेरे ज़रिए किसी की तो एटलीस्ट हेल्प हो ही रही है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये चैनल बनाने का यही है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। मैं अपने सेकंड चैनल पे भी काम कर रही हूँ, जस्ट बहुत ही जल्दी मैं अपना सेकंड चैनल लेकर आऊँगी, जिसमें मैं अपनी जो एजुकेशनल नॉलेज है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग वो पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट का ही होगा, लाइक जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ये सब आप लोगों को कराऊँगी, स्पोकन इंग्लिश भी उसी में आ जाता है। तो अभी इस पर काम चल रहा है, जब वीडियोज़ आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी गाइस। अब देखिए, फिंगर्स पर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक वाली ही पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा हमने हाईफाई करने की जरूरत मतलब कोशिश नहीं की है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही यूज़ की हैं। अब देखिए, फिंगर के ऊपर जो हमने जितना भी स्पेस छोड़ा है वो हम लोग टिप्स को फिल करने के लिए छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को टिप्स फिल करवाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, तो जब भी आप लगाएं तो आप जिससे भी लगा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, उन्हें टिप्स फिल करवाना ठीक लग रहा है तो आप कर दीजिए, नहीं तो डिज़ाइन को ऊपर तक कंटिन्यू कर दीजिए। अब ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन ये कम्प्लीट हो गया है,
मैं सब इसे फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे ये लीव्स पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए जो इसे मतलब इसे पिछले वाली मॉर्निंग वाली वीडियो उसमें मैंने यही वाला एलिमेंट आप लोगों को कराया है कि डिज़ाइन को स्टार्ट या फिर एंडिंग, क्योंकि जब हम लगाना शुरू करते हैं तो यहीं से ही शुरू करते हैं ना, तो कैसे करें। तो वो वाले जो डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे, तो हमने एक ही पैटर्न यूज़ किया, तो जो डिफरेंट पैटर्न्स आप वो वाली वीडियो जाइए देखिए, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो पेटल्स ड्रॉ की है ना, तो मैंने पहले बेसिक शेप बना ली है और उसके बाद मैंने क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी आउटलाइन कर देनी है। आउटलाइन करने के बाद जितना भी एरिया बीच में बचेगा उसे हम मेहंदी से फिल कर देंगे। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जितने भी मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड मैं बहुत ही बड़ी मतलब ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सब लोगों की गाइज। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स भी शेयर कीजिए। और सो गाइज स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर गाइज एंड कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, बाय बाय। एंड गाइज प्लीज़ स्टे अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस।